ऐसी शख्सियत के साथ मौजूद हैं जो किसी परिचय के मोहताज नहीं, बल्कि अपने साहस, निडरता और जिंदा दिली के लिए पहचाने जाते हैं। चलिए, खैर रिवाज है तो परिचय करा ही देते हैं। पूर्व आईपीएस अफसर अमिताभ ठाकुर, जिनको जबरिया रिटायर कर दिया गया, ऐसा उनका कहना है। पल्लेदार आलू की बोरी को भी ऐसे नहीं उठाते हैं जैसे उनके ही जूनियर पुलिस ऑफिसर उनको उठाकर पुलिस की जीप में ठूस कर जेल ले गए। खैर, अब उनकी रिहाई हो गई है। उस टाइम भी हमने वीडियो किया था और वह वीडियो खूब तेजी से वायरल भी हुआ था। तो आज हम उनके साथ हैं, उनके निज निवास पे हैं। तो आइए उनसे मिलते हैं और जानते हैं कैसा रहा जेल का जीवन। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते सर। जेल का जीवन कैसा था, क्या अनुभव रहा और कौन कौन सी समस्याओं का सामना करना पड़ा? जाहिर सी बात है कि कुछ चीज़ें ऐसी थीं जो अत्यंत नकारात्मक थीं जी, लेकिन साथ ही साथ यह एक ऐसा अनुभव था जिससे मैं महरूम था। ईश्वर की कृपा रही कि वह अनुभव चाहे जिस भी हालात में हुआ हो जी, वह अनुभव हुआ। उसके अच्छे और बुरे क्या पक्ष थे वह सब जानने सुनने का, समझने का अवसर मिला। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम जब बन जा रहे थे तो उन्होंने कहा कि वहाँ पर हमारी बहुत आवश्यकता है। तो क्या आपको भी ऐसा कुछ लगा कि जेल में आपकी आवश्यकता थी? कैदियों के मौलिक अधिकारों का हनन और उनके साथ क्रूर व्यवहार आदि को समझने के लिए। देखिए, आपने बहुत ही अच्छी बात कही है और जो मैंने कहा नकारात्मक पहलू जो रहा वह यह नहीं रहा कि मैं वहाँ क्यों भेजा गया। वह नकारात्मक पहलू यह था कि चूंकि मेरे प्रकरण को लेके मुझे लगता है कि आदेश ऐसे रहे होंगे, विशेष करके मानसिक रूप से, और कभी कभी तो गाली गलौज भी, कई ऐसे दृष्टांत आए कि व्यक्तिगत मुझे गाली गलौज का सामना करना पड़ा और ऐसे शब्दों का जो जानबूझ के डिमोरलाइजिंग शब्दों का, मुझे तन्हाई की स्थिति में रखा गया मात्र एक दो कैदियों के साथ। तन्हाई या फिर तन्हाई की स्थिति में, देखिए मैं इसलिए मैंने तन्हाई की स्थिति कहा क्योंकि मैं बिल्कुल अकेला नहीं रखा गया था, लेकिन यह है कि जो 50 लोगों का जो बैरक है, जो यूजुअल बैरक होता है जिसमें मान लीजिए 50-60, कई बार तो मैं देखता हूँ कि ओवर क्राउडेड यहाँ की जेल्स रहते हैं, वहाँ मैं और शुरू के एक महीने में मात्र मेरे साथ एक और व्यक्ति जिनसे मेरी कोई बातचीत नहीं हो पाती थी, तो वह लगभग लगभग तन्हाई की स्थिति थी। पूर्ण तन्हाई नहीं थी वो, लेकिन तन्हाई से भी वो कम नहीं था। बाद में जब मैंने इस बात को कई बार कहा तो कई सारे ऐसे लोगों को ले वहाँ भेज दिया गया, कई सारे मतलब 3 और लोगों को, जिसके कारण मेरी स्थिति अत्यंत विषम हो गई। मैंने उस पर ऐतराज़ किया, मुझे तो यहाँ तक आशंका हो गई थी कि मेरे साथ कुछ अनिष्ट करने को ये सब किया गया है और उसके बाद की स्थितियाँ बदलें। तब भी मुश्किल से 2-3 लोग और मेरे साथ रहे। वह पूरी तरह तन्हाई की स्थिति रही क्योंकि मेरे जो भी मेरा पृष्ठभूमि, शैक्षिक पृष्ठभूमि, सामाजिक पृष्ठभूमि रहा, उन लोगों का रहा इतना अलग था कि मैं उनसे लगभग इंटरेक्शन्स नहीं हो पाते थे। लेकिन जो आपने प्रश्न पूछा वह प्रश्न मेरे, मैंने क्या अनुभव किया, क्या किया, वह एक अलग पहलू है। मुझसे लेके क्या व्यवहार हुआ अलग पहलू है। जो दूसरा पहलू है जो आपने यह कहा कि वहाँ भी मेरे बहुत सारे काम थे ऐसा भगवान श्री राम ने कहा, तो मुझे यह महसूस हुआ कि निश्चित रूप से मेरी और मेरे जैसे सिरफिरों की जेल में बेहद ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि कई ऐसे पक्ष हैं, कई ऐसे पहलू हैं जिनको मैं व्यक्तिगत नहीं जानता था, जिनसे एक आम कैदी, एक कैदी जिनसे लगातार रूबरू हो रहा है। निश्चित रूप से इसमें मुझे कहने में अब गुरेज नहीं है और अब मुझे अधिकार भी हो गया है क्योंकि मैं भी जेल रिटर्न हूँ। जैसे बारी बारी ये कहते थे कि फला और फला जेल रिटर्न है, मैं भी जेल रिटर्न हूँ। 7 महीने मैंने भी वहाँ पर अपने दिए हैं, तो असाधिकार कह सकता हूँ कि हिंदुस्तान की जेलों में, यूपी की जेलों में बहुत कुछ ऐसा है जिसमें भारी परिवर्तन की ज़रूरत है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने अपने कई आदेशों में कहा है, मैंने वहाँ इसका अध्ययन किया, मैंने इसको कई बार कोट किया, मेरी बात सुनने वाला कौन था आप समझ सकते हैं। उन्होंने कहा है कि मात्र इसीलिए कि कोई व्यक्ति जेल भेज दिया जाए वह मनुष्य होना बंद हो जाए, ऐसा नहीं होता है। उसके समस्त मानवाधिकार बरकरार रहते हैं सिवाय इस बात के कि उसके चलने फिरने की आज़ादी वगैरह में कुछ बंदिशें लग जाए जी। इसके विपरीत मैं आपको बताऊँ, एक बार मैं जो पहली बार जो मैं जेल अधीक्षक को मैंने कहा कि मुझे वहाँ एक इंटरव्यू होता है, जेल अधीक्षक से मिलने का समय होता है, मैंने उन्हें कहा कि मुझे आपसे मिलना है। जब मैं उनसे मिलने गया, सामने कुर्सी खड़ी थी, रखी थी,
मैंने कहा कि मैं बैठ जाऊं, तो जेल अधीक्षक ने जो बात कही वो मैं जीवन भर नहीं भूल पाऊंगा। उसने कहा कैदियों को बैठने का अधिकार नहीं है जेल में। मैं अभी तक मैंने उनसे लिखा पढ़ी में मांगा, उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया, उन्होंने इसकी आवश्यकता भी नहीं समझी। मैं अभी तक ये नहीं समझ पाया कि एक कैदी को, आखिर वह कैदी अगर मनुष्य है तो उसको किसी के सामने कुर्सी पर बैठने का अधिकार क्यों नहीं है? यह कौन सा ऐसा अधिकार है जो विशिष्ट व्यक्तियों को ही होता है? कैदी में ऐसी ऐसी कौन सी बात है जिसके कारण उसको अधिकार नहीं है? दूसरी बात मैंने देखी कि जैसे मैं वहाँ था तो मेरा नाम लिखते थे अमिताभ ठाकुर पुत्र तपेश्वर नारायण। आमतौर पर कहीं पर भी किसी भी सरकारी कागज में किसी भी व्यक्ति के नाम पिता के नाम के आगे श्री श्रीमती वगैरह जरूर लगता है। तो मैं आज तो भाई मान लीजिए मैं कैदी था, मुझ पर भी लगना चाहिए था और कम से कम मेरे पिता के नाम के सामने तो निश्चित रूप से श्री लगना चाहिए था। ये सब छोटी छोटी बातें हैं, बड़ी बड़ी बातें भी बता रहा हूँ। यह सब बातें बताती हैं कि किस प्रकार कैदियों को इंसान के रूप में नहीं समझे जाने की जो हम लोग त्रुटि कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं, डिमोरलाइज कर रहे हैं। तीसरा उदाहरण मैं बताऊँ, एक बार एक वहाँ पर बंदी रक्षक थे, उनसे कोई बात तो मैंने कहे अनुरोध किया तो उन्होंने मुझसे जिस ढंग से बात की मुझे अच्छा नहीं लगा। मैंने कहा भाई साहब मैं भी इज्जतदार व्यक्ति हूँ तो मुझे वह शब्द पुनः नहीं भूलेंगे। जब उस व्यक्ति ने कहा काहे कि इज्जतदार हो जब जेल में हो, यह शब्द भी मैं कभी नहीं भूलने वाला हूँ कि कोई व्यक्ति अगर जेल भेज दिया जाता है तो उसकी इज्जत खत्म हो जाती है, इज्जतदार नहीं रहता है और वह वहाँ के खुद जो बंदी रक्षक हैं और जेल वाले इस तरह करते हैं। चौथी बात, जिस प्रकार से वहाँ पर लोगों के साथ उनके सामान चेक किए जाते हैं, जिस प्रकार उनके साथ, मैंने किसी भी बंदी रक्षक को कभी भी किसी भी कैदी के उसके साथ आप कह के या सम्मान पूर्वक या परस्पर सौहार्द से बात करते नहीं देखा। मैं तो चूंकि मैं एक अफसर रहा था, ऊपर से इसमें कोई शक नहीं कि मेरी छवि ऐसी है कि मतलब कुछ समझूँ कि दुर्दांत टाइप की छवि भी कुछ मेरी कई लोगों के बीच है कि लोगों को लगता है कि यह परेशान कर सकता है, इसीलिए मुझसे बस घबराए रहते थे। अन्यथा सामान्यतया मैंने देखा कि वृद्ध व्यक्ति तक को भी, कल का जो बंदी रक्षक है वह भी वह तुम करके बात करते थे। मैंने दो चार बार टोका भी, मैंने कहा कि आप देखिए अगर आप उनकी इज्जत नहीं करेंगे, आखिर उनकी उन्होंने ऐसा कौन सा ये किया है कि आप उनको उनका जो नेचुरल सम्मान है वह नहीं दे रहे हैं। पाँचवीं बात, मारपीट, मैंने अपनी आँखों से कई बार मारपीट देखा है। और जो आपने एक बात कही वह मारपीट भी जैसे ब्रिटिश लोग करते हैं, फूट डालो और राज करो, या ऐसा कहा जाता है कि वो करते थे, मैंने अपनी आंखों से जेल में वह नीति जेल के लोगों को अपनाते देखा। वह फूट डालो और राज करो की नीति के तहत जो ये लंबरदार बनाए जाते हैं जिसको कन्विक्ट ऑफिसर कहते हैं जेल मैनुअल में, तो वही उन्हीं लंबरदारों से बाकी कैदियों की पिटाई करवाते हैं। एक बार मैं वहाँ जा रहा था, जेल के अंदर ही एक जगह में जा रहा था टेलीफोन करने, मैंने देखा कि एक लंबरदार से एक जेलर किसी कैदी को पिटवा रहे हैं। और जब लंबरदार ने मारा तो जेलर ने जो कहा कि इस तरह थोड़ी मारा जाता है, दूसरे लंबरदार को बुलाया, कहा तुम मार के दिखाओ कैसे मारते हैं। और दूसरे लंबरदार ने इतने झन्नाटेदार ढंग से उस मारा कैदी को, कैदी गिर गया। मुझे बहुत गुस्सा आया, मैंने कहा, मैं आगे बढ़ा, मैंने कहा साहब हमें भी मार के दिखाइए, मैं भी देखूँ कैसे पिटाई होती है। तो जेलर साहब ने कहा कि भाई तुमसे क्या मतलब है? मैंने कहा मुझे ऐसी ही चीज़ों से मतलब है, मैं यहाँ हूँ भी ऐसी ही चीज़ों के कारण, मैंने कोई ऐसा काम नहीं किया था जो मैं यहाँ रहता, लेकिन मेरी आदत है दूसरे के फटे में टांग डालने की और मैं यहाँ पर हूँ। तो इस रूप में जो आपने बात कही, भगवान श्री राम ने जो बात रामचरितमानस में कही थी, वह बात निश्चित रूप से मुझे लगा कि हाँ कुछ न कुछ मेरा भी प्रयोजन था। अब उन चीज़ों को मैं की बेहतरी करने में मैं कितना प्रयास कर पाऊँगा, कितनी सफलता मिलेगी, वह ईश्वर के हाथ में है। लेकिन इतना निश्चित है कि बहुत सारी बातें मैंने सीखी जो उन 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 बंद कमरों के बीच या उन बंद बाड़ों के बीच हो रही थी, जिनको वो लोग झेलते रहे हैं, झेले हैं, जो कि हमारे आपकी तरह मनुष्य हैं। मैंने वहाँ पर जाके जवाहरलाल नेहरू जी की ऑटोबायोग्राफी पढ़ी, उसमें उन्होंने उस समय लिखा था कि कम से कम 60-65% लोग ऐसे होते हैं जो निर्दोष होते हैं। मुझे लगा कि अब समय तो एक अच्छी संख्या, शायद संख्या वो प्रतिशत बढ़ ही गया होगा, जो कि निर्दोष सामान्यतया होते हैं और बस किसी तरह पुलिस या किसी व्यवस्था में फंस गए आ गए। ऐसे लोग भी जिन दुर्दांत स्थितियों से, जिन कष्टप्रद स्थितियों से गुजर रहे हैं, जिनका कोई देखने वाला नहीं है, निश्चित रूप से यदि हम अपने आप को वेलफेयर स्टेट मानते हैं तो हमें इन लोगों के प्रति
अपने नज़रिया को बदलना होगा। जो हालात चल रहे हैं जेलों के, उनमें एक भारी परिवर्तन की ज़रूरत है। व्यवहार और सिद्धांत में जो अंतर है वह मुझे जेल में महसूस हुआ, जो मैं चर्चा कर रहा था, एक बहुत बड़ी समस्या। और मुझे तो, मैं कहूँगा तो कुछ लोग कहेंगे कि भाई कैसी बात कर रहा है, मुझे तो यह लगा, मैंने वहाँ भगत सिंह को पढ़ा, मैंने नेहरू जी को पढ़ा, सुभाष बोस को पढ़ा, उनकी ओरिजिनल बुक्स पढ़े, उनके, मुझे तो लगता है कि ब्रिटिश इस मामले में संभवतः ज़्यादा ईमानदार थे कि जो चिट्ठियाँ उनको मिलती थीं उनको वह ईमानदारी से गंतव्य पर भेज देते थे। सुभाष बोस द्वारा मांडला में लिखी हुई तमाम चिट्ठियाँ उनके गंतव्य तक पहुँची। और ये तो पूरा का पूरा इन्होंने अपने जेल में ही लिखा था, जवाहरलाल नेहरू जी ने, वो पत्र पहुँचते रहे उनके। लेकिन आज के समय आपका लिखा पत्र गंतव्य पर पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा, इसका कोई मैं कहता हूँ माई बाप नहीं है। तो कोई PIL ट्रीट होगा नहीं होगा, वो तो कोर्ट तक पहुँचेगा, वह तो बाद की बात है। आपके मैंने वहाँ कुल, चूँकि मुझे एक, जैसे मान लीजिए, अन्य बीमारियों के साथ साथ मुझे एक लिखने की भी बीमारी है, मैं उससे भी ग्रस्त हूँ, तो मैंने 545 चिट्ठियाँ उस 7 महीने में लिखी। मेरे पास एक एक चिट्ठी का रिकॉर्ड है 545 लेटर्स का। उनमें से मुझे जहाँ तक समझ में आ रहा है, मुश्किल से 100-150 चिट्ठियाँ या 100 के आसपास चिट्ठियाँ गंतव्य पर पहुँची, बाकी 445 चिट्ठियाँ कहाँ हैं, वह उनका मेरी जानकारी में कोई माई बाप नहीं है उनमें। उसके अलावा मैंने ये करीब 245 पृष्ठों की एक जेल डायरी लिखी थी, दो कहानियाँ लिखी थी, एक कहानी लिखी थी मैंने मर्डर करके, जिसको जो मतलब एक उससे बात हुई थी मेरी एक कन्विक्ट से, तो उसकी बातों को मैंने कहानी के रूप में ढाला था। एक कहानी लिखी थी मैंने, कहाँ थे कहाँ आ गए, यह मैंने लिखा था कि जब एक जेलर ने टिप्पणी की थी कि आप अगर सही ढंग से चलते तो आज आप ADG होते और आप इस समय कहाँ आए हुए हैं, तो मैंने उसी पर लिखा था, जिसमें मेरा कुल कहना था कि मुझे इस बात का अफसोस नहीं है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, मुझे खुशी है कि मैं यहाँ आ गया हूँ, क्योंकि ADG तो बहुत लोग बन गए हैं। लेकिन वह मेरी वो दो कहानियाँ, वो 245 पृष्ठों का जो मेरा जो पांडुलिपि थी, जेल डायरी, वह गायब है, उसका कोई माई बाप नहीं है। मैंने जेलर से कई बार कहा, सुपरिंटेंडेंट से कहा, वो गायब हो गया है, गायब कर दिया गया, इसका ठिकाना नहीं। देखिए होता क्या है, सबसे बड़ी समस्या जेलों में, कम से कम हिंदुस्तान के जेलों में, मुझे UP के जेलों में है, कि कैदी जो पत्र देता है उसको प्राप्ति नहीं दी जाती है। अच्छा, हाँ, आप बने समझिए कि आप उनके भरोसे पे दे रहे हो, भरोसे लायक तो वो बिल्कुल नहीं है, आप जान ही रहे हैं। उसके विपरीत सबसे बड़ी बात है कि जेल वाले आपको कोई भी छोटी सी भी चीज़ देते हैं तो 10 जगह साइन कराते हैं, अंगूठा लगवाते हैं, आपको कोई चीज प्राप्त, अगर आपकी कोई चिट्ठी आएगी 10 जगह प्राप्ति करेंगे कराएंगे, आप कुछ देखो बिना प्राप्ति के। मैंने उसके लिए एक बड़ा विरोध किया, लेकिन एक सीमा थी मेरे विरोध करने की, मेरे पास किसी चीज़ की प्राप्ति नहीं। वो कहते थे कि प्राप्ति कैसे मिल जाएगा कैदी को, उसको प्राप्ति का थोड़ी अधिकार है, जबकि मेरी समझ में तो ये तो हर हर ऑफिस का एक बुनियादी चीज़ होना चाहिए कि कोई पत्र दिया उसकी प्राप्ति।